ये तो सिर्फ कोई अशोक गहलोत का चमचा है, कोई वसुंधरा का चमचा है, कोई और किसी का चमचा है, ये तो टिकट मांगने वाले हैं। ये क्या साथ लगेंगे, हमारे दम चाहिए हमारे साथ लड़ने के लिए। हमारे साथ वो चलता है जो लड़ने की क्षमता रखता है। सर आप प्रदेश में आंदोलन कर रहे हो, किस किस मांगों को लेकर कर रहे हो, क्या मांग है आपकी मुख्य मांग? मुख्य मांग हमारी ये है कि मैं 2009 से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर को लेकर के अलग छोटा प्रदेश, कुशाल प्रदेश, मरु प्रदेश की हमारी डिमांड है। उसके लिए मैंने 2009 में हजारों ऊँटों के साथ मैं बीकानेर से चला था और जयपुर पहुंचा था और वहाँ माननीय महामहिम को ज्ञापन दिया था। तब से लेकर अब तक इस पूरे 13 जिलों में जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम आंदोलन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को 2 बार बुलाया और उनके सामने भी मैंने बात रखी थी कि हिंदुस्तान के, अगर हिंदुस्तान को मजबूत करना है और भारत मजबूत चाहिए तो हमारा बॉर्डर जो है, जो मरु प्रदेश के 1100 किलोमीटर पाकिस्तान के लगता है, वो बॉर्डर बिल्कुल बेरोजगारी की वजह से, अनडेवलपमेंट की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बॉर्डर के ऊपर कोई आदमी नहीं है, बॉर्डर हमारा कमज़ोर हो चुका है। अजीत डभोल साहब ने भी कहा कि बिल्कुल ये बॉर्डर कमज़ोर हो गया और इसके लिए समर्थ प्रदेश चाहिए, इस भारत के लिए समर्थ प्रदेश चाहिए। दूसरा हम ये डिमांड हमारी कि मरु प्रदेश कि आज किसी भी आप गाँव के अंदर, आप किसी गाँव में चले जाओ, उस गाँव के अंदर बच्चे जो हैं वो बेरोजगारी की वजह से हमारे गांव खाली हो चुके हैं, पलायन हो चुका है हमारे, हमारे यहाँ पर कोई रोजगार का साधन नहीं है। हम बिजली हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पैदा करते हैं, हवा से, धूप से, पानी से, कोयले से, लिग्नाइट से, लेकिन हमारे को सबसे महंगी बिजली मिलती है। आज हमारी, अगर मैंने 2009 के अंदर कहा था कि हम समुंदर लेके आएंगे बाखासर गाँव तक, तो बाखासर ला के आएंगे तो राज्यपाल साहब ने, उस समय के जो तत्कालीन राज्यपाल थे, उन्होंने भी मजाक उड़ाया कि क्या आप बात करते हो, आप दोहरों में आप समुंदर लाओगे। और आज ये हालत है कि मैं गडकरी जी से मिला और गडकरी जी ने इसकी DPR बनानी शुरू कर दी है और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान का तेल, हम 27% हिंदुस्तान तेल देता है, लेकिन आज देखो हरियाणा के अंदर 10 रुपये लीटर हमारे से सस्ता है, जहाँ पर एक बूंद तेल नहीं निकलता। आज चंडीगढ़ के अंदर 15 रुपये हमारे से सस्ता है, एक बूंद लीटर तेल नहीं निकलता। पंजाब हमारे से 13 रुपये सस्ता डीजल देता है, एक बूंद तेल नहीं निकलता, जबकि हम 27% तेल बाड़मेर जिला देता है। 27,000 करोड़ रुपए पिछले साल हमारे को तेल से मिले बाड़मेर जिले को, लेकिन बाड़मेर के गांव के अंदर एक पैसा खर्च नहीं हुआ, ये सारा जयपुर में लगा दिया जाता है। जयपुर के अंदर आपकी जानकारी बता दूं कि हिंदुस्तान के सबसे मेट्रो, हिंदुस्तान के सबसे वर्स्ट प्रोजेक्ट जो है, जिस मेट्रो के अंदर 50 आदमी भी दिन में नहीं चढ़ते, 20,000 करोड़ रुपये लगा के खड़े कर दिए, लेकिन हमारे यहाँ पर पैसे नहीं लगाए जाते। इसलिए सारा रेवेन्यू हमारा तेल हमारा, और बाखासर के अंदर जब हमारा समुंदर आ जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान के किसी राज्य से नहीं, हमारा मुकाबला दुबई के साथ होगा। हमें किसी दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, हमारे बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के पास रह करके इसी धरती के ऊपर काम करेंगे और यहीं पर हम रहेंगे और हमारा सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा। ये हमारी लड़ाई है, इसके लिए मैं आज आया हूँ और 23 जनवरी से मैं हिंदुमल कोट, राजस्थान का जो लास्ट गांव है, हिंदुस्तान का पहला गांव है, गंगानगर से 25 किलोमीटर बॉर्डर पर, वहां से चलूँगा और 650 किलोमीटर पैदल चलते हुए जयपुर पहुंचूंगा और महामहिम को ज्ञापन भी देंगे और सरकार से बात भी करेंगे कि ये प्रदेश बने बगैर इस राजस्थान का भला नहीं हो सकता, राजस्थान का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, चाहे वो बचा हुआ राजस्थान हो चाहे हमारा ये मरु प्रदेश। इसलिए मरु प्रदेश के लिए लड़ाई जारी है, इसीलिए आज मैं निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं 2009 से ये आंदोलन कर रहा हूँ। आप जब बैठते हैं तो सब कहते हैं कि प्रदेश बनना चाहिए, प्रदेश बने बगैर इसका, राजस्थान का विकास नहीं हो सकता। 2003 में माननीय उस समय भैरव सिंह शेखावत साहब ने मेरे को कहा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी लिखी है और 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं कि मैं लिखी है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री चाहे राजा हरिश्चंद्र को क्यों ना बना दिया जाए तो भी इसका विकास नहीं हो सकता। विकास तभी होगा जब ये प्रदेश हमारा अलग बनेगा। और मेरे को जब नेता मिलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने भी मेरे को ये कहा कि जिस दिन आप जनता को जगा दोगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, हिंदुस्तान में 10 स्टेटों की डिमांड है, अगर हम सब ने जगा दिया और ये जनता जागृत होगी कि प्रदेश बनना चाहिए तो निश्चित तौर पर प्रदेश बनेगा। क्योंकि 2026 तक की हमारी इस देश की व्यवस्था है, 2026 में ये राज्य बनकर रहेगा। देखो लोकल आदमी क्या होता है कि लोकल तो जितने हैं वो राजनीति करते हैं, हमारा गैर राजनीतिक मोर्चा है। मेरे साथ हजारों की संख्या में युवा जुड़े हुए हैं जो प्रदेश का भला चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियां तो क्या हैं कि वो तो टिकट चाहती हैं,
जितने नेता हैं, हमारा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के नेता जो हैं वो जागीरदार बन चुके हैं अपने क्षेत्र के अलावा। वो आज बाड़मेर की अगर मैं बात करें तो हरीश जी चाहते हैं कि हरीश जी का अपना क्षेत्र हो, वो दूसरे क्षेत्र में तो किसी के मुँह कान और शादी में भी नहीं जाना चाहते, वहाँ पर हम उसका बेटा बने, उसकी बहू बने, उसका और बने, ये तो सिलेक्शन करते हैं। आज हमारे प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य ये है कि हम इलेक्शन नहीं करते, हम सिलेक्शन करते हैं। हम पहले दिन तय कर लेते हैं अब की बार बीजेपी को देंगे, अब की बार तो कांग्रेस को देंगे, टिकट चाहे शायद कोई गधा लेके आ जाए। हमारे तो ये जितने नेता हैं ये नपुंसक हैं, ये नेता हैं नहीं है, ये नपुंसक है। ये हमारे 25 सांसद और ये जितने MLA ये सारे टिकटार्थी हैं, ये नेता नहीं है। नेता होते तो मेरे से एक बार गारंटी के सामने बैठ कर कह दे कि हम पंजाब और हरियाणा जैसे 20 साल बाद आपका डेवलपमेंट कर देंगे, नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ कोई अशोक गहलोत का चमचा है, कोई वसुंधरा का चमचा है, कोई और किसी का चमचा है, ये तो टिकट मांगने वाले हैं। ये क्या साथ लगेंगे, हमारे दम चाहिए हमारे साथ लड़ने के लिए। हमारे साथ वो चलता है जो लड़ने की क्षमता रखता है, ऐसे नहीं लड़ सकते। ये जो टिकट की भूख के बात हैं वो आंदोलन नहीं किया करते। तो इसलिए हम तो जिस दिन मैं पदयात्रा लेके चला था, मैं पहले ऊँटों की यात्रा, तब भी मेरे से आप जैसे पत्रकार भाइयों ने कहा कि आप इतनी बड़ी बात कहते हो कि हजारों की संख्या में आएंगे। मैं कहा भगत सिंह के बाप का नाम जानते हो, हेमू कलानी के बाप का नाम जानते हो, क्रांतिकारियों के कभी कोई बाप दादे की औलाद सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले कभी क्रांतिकारी नहीं हुआ करते। इसलिए हमें किसी नेता नाता की जरूरत नहीं है। हम तो जनता और नौजवान साथियों को जागृत करते हैं कि हम क्रांति लेके आएंगे और एक दिन प्रदेश बनाएंगे बिना उन नेताओं के। तो सर अब बाड़मेर में कल भी हमारी चौटन में मीटिंग हुई थी और जगह जगह हर तहसील के अंदर हम कार्यकारिणी बना रहे हैं नौजवान साथियों की, और आने वाला टाइम के अंदर जो बाड़मेर में भी एक बहुत बड़ा, मैं आज रिक्वेस्ट करने आया हूँ रघुवीर जी से और बहादुर साहब से कि आप एनर्जेटिक आदमी हैं, आप इतनी बड़ी हमारे योद्धाओं के लिए जो काम कर रहे हैं और इस बाड़मेर ज़िले के लिए बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं, तो युवाओं को जागृत करते हैं और बिना नेताओं के करते हैं और हमारे शहीदों को सम्मान दिलाते हैं। तो ऐसे मैं योद्धाओं से मिलने आया हूँ आज कि आप हमारा साथ दो ताकि प्रदेश बने, और प्रदेश बने तो हमारी बेरोजगारी खत्म हो, हमारे युवाओं को दूसरे प्रदेश में ना जाना पड़े, इसके लिए मैं आज निमंत्रण देने इनको आया हूँ। मेरा नाम जयवीर गोदारा है, मैं ये 13 जिलों का मरु प्रदेश का आंदोलन चलाता हूँ और अध्यक्ष के नाते काम करता हूँ। और संदेश तो यही है कि इस बाड़मेर को अगर आप मानते हैं कि बाड़मेर को हमें दुबई जैसा बनाना है तो आप सिर्फ एकमात्र रास्ता है, बाड़मेर को मरु प्रदेश बनाया जाए और हमारा समुंदर लाया जाए, बाखासर तक समुंदर लाएं, और जिस प्रदेश के जिस भी देश के धरती के अंदर तेल हो और उसके साथ समुंदर हो वो उस देश की इकोनॉमी फाइनल करता है, उसकी आर्थिक बनाता है। तो ये तो आने वाले समय, मैं आज आपके सामने पूरी पंचायत के सामने ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन हमारा बाखासर समुंदर बन जाएगा, बंदरगाह बन जाएगा और ये हमारी रिफाइनरी चालू हो जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान का ये इकोनॉमिक जोन होगा, हिंदुस्तान का इकोनॉमिक जोन होगा और ये दुबई का मुकाबला करेगा। ये बात आज लिख लेना, पहले इसको काला पानी कहते थे, नौकरी के लिए तरसते, कभी काला पानी भेज दिया हमें बाड़मेर, और बाड़मेर के लिए लोग तरसेंगे। ये मेरा संदेश है कि बाड़मेर के साथ जिलों को लेकर प्रदेश में रीजन ये रहा है कि जब तक जनता जागृत नहीं होगी राजनीतिक पार्टियां बोलती नहीं है। राजनीतिक पार्टियां जितने नेता हैं इस प्रदेश के वो जब मेरे से अकेले मिलते हैं तो बोलते हैं कि प्रदेश बनना चाहिए, और दो चोट होती है। एक चोट होती है अगर हम हिंसा का सहारा लें, रोजाना तोड़ फोड़ करें, आगजनी करें, लूटपाट करें, कूड़ा इनकी सब नेताओं की गाड़ियां तोड़ें तो फिर इनको तकलीफ होती है और फिर ये नेताओं तक जाके बात करते हैं कि प्रदेश की जनता जागृत है। और दूसरा है वोट की चोट कि अगर इनको वोट ना मिले तो अब की बार हम जनता को ये भी जागृत करेंगे। मेरी पदयात्रा में मैं शुरुआत करूंगा ये बात कि अगर कोई नेता मरु प्रदेश की बात नहीं करता है तो उसको वोट मत दो, उस वोट उसी को दो जो मरु प्रदेश की बात करे, और नहीं तो हमें समझाए कि हम आपके बिना मरु प्रदेश के भी हम आपकी डेवलपमेंट कर देंगे, हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसा ये राजस्थान हम 20 साल में बना देंगे, हम 20 साल बंद कर देंगे, लेकिन ये नहीं समझा सकते क्योंकि इनका कोई विजन ही नहीं है। इनका विजन ही सिर्फ एकमात्र है कि टिकट लाएं, चाहे मैं वसुंधरा के पास जाके लाऊं, चाहे मैं किसी और के पास ला जाऊं, चाहे अशोक के जाऊं, चाहे और ये सरकार तो अशोक गहलोत और ये तो सारा दिन सरकार बदलने में लगी रहती है, कौन सा गद्दी पर कितने दिन रहे, तो इसलिए ये क्या करेंगे, हमारा कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद जी सर।